आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे डीप फ्रीजर में चार पिन वाला रिले लगता है, मतलब कि जिस रिले में रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों कैपेसिटर लगाए जाते हैं, उस रिले का कनेक्शन, मतलब कि ये जो रिले है इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगता है और रनिंग कैपेसिटर भी लगता है, तो हम कहाँ कहाँ पर ले आकर जोड़ेंगे। इसमें चार पिनें होती हैं, चार पॉइंट होती हैं, तो इसमें हम सप्लाई कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर रनिंग वाला किधर जोड़ेंगे, स्टार्टिंग वाला किधर जोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उल्टा जोड़ देंगे तो कंप्रेसर जो हमारा है वो नहीं चलेगा, जो ओवरलोड प्रोटेक्टर ये बार बार इसको कट कर देगा सप्लाई को, क्योंकि अगर आप गलत कनेक्शन किए रहेंगे तो फिर ये रिले कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। और इसके साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है वो कितने एफडी का लगता है, जो रनिंग कैपेसिटर लगता है वो कितने एफडी का लगता है, और ये जो ओवरलोड है इसका कैसे कनेक्शन करेंगे, मतलब कि पूरे अच्छी तरीके से हम ये जान जाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा हमारे लिए, और ये हम पूरा क्लियर यहाँ पर आज सीख लेंगे कि ये जो हमारा रिले है चार पिन वाला रिले, जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि चार पिन वाले रिले का कनेक्शन कैसे करें, उसकी स्टार्टिंग कैपेसिटर कहाँ जोड़ें, रनिंग कैपेसिटर कहाँ जोड़ें, तो ये सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से आप इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास ये रिले होगा ना, चार पिन वाला रिले, तो उसमें देखिए पॉइंट कौन कौन से रहेंगे, इसको देखिए, पहले एक रहेगा एक नंबर, एक रहेगा S1, एक रहेगा S और एक रहेगा 2। अब इसमें ये क्लियर करना है कि इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर कहाँ जुड़ेगा, रनिंग कैपेसिटर कहाँ जुड़ेगा, और जो हमारा फेज का सप्लाई है या न्यूट्रल की एक सप्लाई है वो कहाँ जाके रिले में लगेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आप स्टार्टिंग कैपेसिटर है, मैं आपको बता दूँ आप क्लियर कैसे करेंगे कि कौन रनिंग कैपेसिटर है कौन स्टार्टिंग कैपेसिटर है, तो आप क्लियर ऐसे कर लेंगे कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा ना उस पर मोटर स्टार्ट या फिर स्टार्ट लिखा रहेगा। अगर जिस कैपेसिटर पे स्टार्ट लिखा हो कि 100% क्लियर है कि अगर कोई स्टार्टिंग कैपेसिटर है ना तो उस पर स्टार्ट या मोटर स्टार्ट लिखा रहेगा, तो इसका मतलब ये स्टार्ट करने वाला कैपेसिटर है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। एक ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये रहेगा, अगर उस डीप फ्रीजर में दो कैपेसिटर लगाए गए हैं तो उसमें से जो ज़्यादा MFD का रहेगा वो स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा और जो कम MFD का रहेगा वो रनिंग कैपेसिटर रहेगा। कहीं पर भी अगर दो कैपेसिटर आपको दिया जाता है मशीन या लगा है और उसको निकाल लिए फिर भूल गए इसमें से यार रनिंग कौन कौन स्टार्टिंग है, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो ज़्यादा MFD का रहेगा वो रहेगा स्टार्टिंग कैपेसिटर और जो कम रहेगा वो रहेगा रनिंग कैपेसिटर। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, और स्टार्टिंग कैपेसिटर पे मोटर स्टार्ट या स्टार्ट लिखा रहेगा, ये 100% क्लियर है, और रनिंग पे रनिंग नहीं लिखा होता है, मतलब जिस पे ना लिखा हो मोटर स्टार्ट या स्टार्ट वो रनिंग का है और जिस पे लिखा हो स्टार्टिंग का है। तो इस तरीके से पहचान लेंगे। अब कनेक्शन कैसे करेंगे इसको देखिए, यहाँ पे भी दो तार निकला है, इससे भी दो तार निकले रहेंगे, तो इसमें क्या लगे रहेंगे, थिम्बल लगे रहेंगे, तो एक थिम्बल को उठा के जो स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा वो जाके जुड़ेगा एक एक नंबर पे, मतलब एक तार, कोई एक तार एक नंबर पे जुड़ेगा और दूसरा वाला उठा करके कहाँ जोड़ेंगे उसको, एस पे, मतलब एक एक तार एक पे जुड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार एस, मतलब एस वाला पॉइंट जो है इस पे जुड़ेगा रिले के, और एक तार मतलब दूसरा तार रिले इस जो कैपेसिटर है इसका रिले के एक नंबर पिन पे जुड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद रनिंग वाला कहाँ जुड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए ये जो रनिंग वाला कैपेसिटर का दो तार है ना, ये एक जुड़ेगा दो नंबर पिन पे, कहाँ जुड़ेगा दो नंबर पे, और एक जुड़ेगा S1 वाले पे पॉइंट पे, मतलब एक S1 पे जुड़ेगा और एक कहाँ जुड़ेगा दो नंबर पे जुड़ेगा। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कनेक्शन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, अच्छे अच्छे टेक्नीशियन कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है, कहीं पे लिख लेना है और यही सही कनेक्शन है इसका। तो आपको क्या करना है कि जो स्टार्ट कैपेसिटर का दो तार रहेगा उन दोनों को ला के जोड़ देना एक नंबर पे और एस वाले पे, और जो रनिंग कैपेसिटर का रहेगा दो तार उन दो तारों को ला के जोड़ देना है दो नंबर पे,
और S1 वाले पे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद फेज की सप्लाई कहाँ देंगे, फेज की सप्लाई आपको देना कहाँ पे है, जो दो नंबर पिन रहेगा उसी पे दे देना रहेगा। इस पर पॉइंट रहेगा, स्क्रू से कसने वाला रहेगा और एक पिन लगी रहेगी। पिन अगर पिन है तो पिन वाले पे जोड़िए या फिर स्क्रू से कस दीजिए। मतलब ये है कि आपको दो नंबर पिन पे ले आके फेज की सप्लाई को इन करना ही करना है। तो ये क्लियर हो गया, रिले का कनेक्शन 100% क्लियर। अब उसके बाद ओवरलोड प्रोटेक्टर है। ये देखिए जो ओवरलोड प्रोटेक्टर है ना, इसके एक पॉइंट पे क्या जाएगा, न्यूट्रल। मैं आपको बता दूं, ये न्यूट्रल फेज, ये न्यूट्रल वाला इस पे आ जाए ओवरलोड प्रोटेक्टर पे और फेज वाला चला जाए इसके रिले पे, या फिर इसका उल्टा हो जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि एसी वोल्टेज में न्यूट्रल फेज नहीं देखा जाता है। अगर उल्टा भी लगा देंगे तो भी ये आपका कंप्रेसर या आपका रिले काम करेगा। तो आपको क्या करना है, एक मतलब फेज वाली सप्लाई कहाँ देना है, यहाँ पे दो नंबर पे, और न्यूट्रल वाला कहाँ देना है, ये जो आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर होगा ना वो LP होगा, उसमें एक पिन निकली होगी, उस पिन में ले जाकर न्यूट्रल वाले को जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, इससे एक जो होल वाला एक तार निकला होगा उसको ले आकर कहाँ जोड़ना है, कंप्रेसर के कामन वाले पे। अब देखिए मान लीजिए एक कंप्रेसर यहाँ पे बना देते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है आपको, सीधा सीधा ये वाला पिन उठाकर कहाँ जोड़ना है, कॉमन वाले पे, और उसके बाद ये जो पिन है ये दोनों पिन कहाँ जोड़ना है, यहाँ वा मतलब जो रनिंग और स्टार्टिंग है इसको ले आकर सीधा उसी में डाल देना। मतलब क्या है, इसमें भी होल है, इसमें भी होल है, और यहाँ पे क्या है, ये पिन निकली हुई है ना, ये पिन निकली हुई है और इसमें क्या है, होल है। तो इसको उठा करके ले आकर LP कहाँ डालेंगे, कॉमन वाले पे, और उसके बाद ये इसको क्या करेंगे, इसको ये जो पिन है, ये जो होल है, इसको इन्हीं पिनों में खोस देना है रनिंग और स्टार्टिंग वाले पे। मतलब रिले ओवरलोड जैसे कंप्रेसर पे लगा देते हैं वैसे ही लगा देना है, बस ख़त्म। अब उसके बाद जैसे ही लगाएंगे इसको सप्लाई देंगे न्यूट्रल और फेज की, तो क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और जो उसका एम्पियर लेना चाहिए करेक्ट एम्पियर लेना शुरू कर देगा, मतलब चलना शुरू कर देगा और अच्छी तरीके से वो रन करेगा। तो आप जब भी इस रिले का कनेक्शन करें तो यही तरीका इसका है कि आप इसी तरीके से कनेक्शन करें। तो दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो आपका एक ही बार में कनेक्शन परफेक्ट हो जाएगा और वो कंप्रेसर आपको अच्छी तरीके से चलने लगेगा। तो ये हम आपको बता दूँ, ये वाला जो रिले है ना थोड़ा कम मिलता है, बट मिलता है, ये क्लियर है। और आपको डीप फ्रीजर, फ्रीज में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डीप फ्रीजर में मिलेगा, क्योंकि डीप फ्रीजर जो 500 लीटर के डीप फ्रीजर होते हैं ना उससे कंप्रेसर बड़े होते हैं। तो बड़े कंप्रेसर में ये रिले आपको ये रिले मिलेगा और दो कैपेसिटर मिलेंगे, तो आप इसी तरीके से कनेक्शन कर देंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी तरीके से तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बस आज के लिए इतना ही।